अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां नवनिर्वाचित महिला जनपद अध्यक्ष नई गढ़ी ममता कुंज बिहारी तिवारी लगातार शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए स्कूलों का भ्रमण कर रही हैं। गत दिवस एक दर्जन से अधिक स्कूल आंगनवाड़ी केंद्रों का अध्यक्ष ने भ्रमण किया, जहां कई विद्यालयों में अच्छी व्यवस्था देखने को मिली तो कहीं बदतर स्थिति। जनपद अध्यक्ष ने छात्राओं से चर्चा कर उनकी समस्याओं को सुना और मौजूद कर्मचारियों को शिक्षा का स्तर सुधारने के साथ साथ गुणवत्ता पूर्वक मध्यान्ह भोजन वितरित करने का भी निर्देश दिया। आपको बता दें कि नईगढ़ी जनपद अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी तिवारी निरंतर क्षेत्र का भ्रमण कर लचर व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर रही हैं। हालांकि चर्चा यह भी है कि गंदी राजनीति के शिकार कई अधिकारी कर्मचारी उनके विकास कार्यों में रोड़ा बन रहे हैं, लेकिन जिस तरह से महिला जनपद अध्यक्ष का क्षेत्र में भ्रमण और कार्य करने का तरीका जारी है, उससे निश्चित लोगों को आशा है कि जनपद में भ्रष्टाचार को कम करने और शिक्षा स्तर सुधारने में कामयाब होगी। बताया जाता है कि जनपद अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी तिवारी ने देवरी सिंगरान सुअरहा फुलहा का भ्रमण किया, जहां की व्यवस्था और मध्यान्ह भोजन अच्छा पाया गया। वहीं पिपरा लिंडुआ में खाना बहुत ही खराब रहा। खैरही आंगनबाड़ी में एक भी बच्चे नहीं थे। इटहा कला में निर्माणाधीन स्कूल की बिल्डिंग जो 2018 से बन रही है, बनते बनते ही क्रैक हो रही है। स्थल पर कोई भी सीनियर और शासकीय कर्मचारी नहीं मिले। देखा गया कि घटिया दर्जे की बालू का उपयोग किया जा रहा था। उमरिया पंचायत में स्कूल की बाउंड्री वॉल और पेवर ब्लॉक जो कागज में बनी है, कहीं दिखाई नहीं दी। मंडला में कौशाला निर्माणाधीन थी जो बंद पड़ी मिली। छोटे बच्चों से मिलकर अध्यक्ष जनपद पंचायत ममता कुंज बिहारी तिवारी ने वक्त बिताया और उन्हें साफ रहने के साथ साथ ठंडी में ठंडी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी। तो बच्चे वहीं से आते हैं सर। अच्छा, वहीं से बोले आते हैं। बच्चे ने उसका खाना पीना क्या बनेगा? खाना पीना आई पंडित जी बनावा है। को रानू? हाँ रानू नहीं आई। अब तो बच्चे नहीं हैं, तो के लिए सब कुछ है, सब दवाई है, सब मिलता है, मिल रहा है। हाँ हाँ सब मिल। हाँ अभी मंगल को ठीक है। अच्छा, मंगल को मिल मिला है। क्या क्या मिला मंगल को? मंगल को गणपति को आया होगा बस। मंगल बाप को क्या क्या मिला है? मतलब यहाँ क्या क्या दिए हैं समूह वाले? समूह वाले? हाँ, आपके सुपरवाइजर क्या दिए? सुपरवाइजर है वो क्या कहते हैं, वो देते पूरी सब्जी बनवाते हैं मंगल बाप को। मंगल और खीर बनवाते हैं और क्या कहते हैं नाश्ता में देते हैं मूंगफली गुड़ देते हैं और क्या कहते हैं नमकीन। नमकीन गिनती सुनाओ सुनाओ। अच्छा कक्का कुछ सुनाओ। ये नहीं कट रहा है लाल। बच्चे इतने ही आए हैं? हाँ आज इतने ही आए हैं। और बाकी और क्लास लगी है बड़ी? कितने तक ले? पांचवी तक। इतने बच्चे जी? हाँ इतने बच्चे हैं, 16 बच्चे हैं अपने यहाँ उधर। कभी नहीं बनता है, तभी तो हम जो तो सब बनाते हैं। हम थोड़ा सा घर में परेशानी हो गया रही है तो थोड़ा सा आज वो करे भोजन पे ध्यान दीजिए।
तो खाना पीना भी देखो ना, जल्दी खिला के चले गए। नहीं मैडम, हमारी तबीयत हमको जाना है दवाई करवाने, इसलिए थोड़ा जल्दी भेज तो सही। दाल भात रोटी सब्जी, पूरा आइटम बना रहा है, रोटी भी बनती है इसमें। हाँ हाँ, अच्छी बात है। और क्या क्या मिलता है खाने में? जो जो खा तो बताओ, जो जो देखो ठाकुर ना देखो, बताओ ठाकुर साहब कहाँ गए? तो आंगनबाड़ी बच्चों को मिलता है, आपको कहाँ से मिलेगा? सर बनवाते हैं, खीर पूरी बनवाई थे मंगलवार को। समूह कौन सा चल रहा है यहाँ? आज तो बच्चे बस कम होती है क्या? बच्चे कम थे आज, ये था दो लड़के आना थे, देखो मना ही कहाँ करे, दो ही लड़की आना था तब तो और अच्छा खाना बनाई चाहिए। कुकर को नहीं चुर पाते है ना, दो चार थे होते हैं भाई, अपने उससे व्यवस्था करवाइए। छोटा कुकर बच्चे है की नहीं है? चार है, तो खाली चार है बस, हो गया। कहाँ चार है? स्कूल में चार है बच्चे ना? कहाँ आज अच्छे है, मतलब हम कहने का मतलब ये है कि दो रहे या चार रहे, मेनू के अनुसार मतलब भोजन है चावल दाल सब्जी। नहीं आ पाता है, हाँ, ये नहीं बन रहा है, बनना चाहिए। खोलिए, दिखाइए, पूरा ढक्कन खोलिए, ये बताइए, ये चार बच्चों का, पूरा खोलिए, ये चार बच्चों, छह बच्चों का खाना है, ये देखिए, ये कितने में खिलाएंगे? इतने में मैडम नहीं खिलते, खुद ही जैसे फेंकते हैं, थोड़ा थोड़ा बच्चे जब अच्छा बनाएंगे नहीं तो खाएंगे चावल दाल। हम अच्छा